एक महीने में 2 किलो वजन कम, क्या ये सच है? क्या ये मील रिप्लेसमेंट शेक आपको एक महीने में 2 किलो वजन कम करने में मदद करेगा? अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आपने बहुत ही सही जगह पे ट्यून इन किया है। हेलो नमस्ते सलाम से श्री अकाल की स्काई केम छो, दिस इज मधुलिका सिंह एंड यू आर वाचिंग योग बुमनिया। वेलकम बैक टू योग बुमनिया। एंड रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस मील रिप्लेसमेंट शेक फ्रॉम सफोला, और दिस क्लेम्स दैट इट इज गोइंग टू हेल्प यू रिड्यूस 2 kg ऑफ वेट एक महीने में, और 2 महीने में 4 किलो वजन कम हो जाएगा, 1 दिन में 750 ग्राम्स वजन आपका कम हो जाएगा, एंड 1 हफ्ते के अंदर आप 0.5 किलो के करीब वजन कम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े क्लेम्स थे, सो आई थॉट कि चलिए रिसर्च करते हैं, देखते हैं इसमें ऐसा क्या है कि आपका इतना इंस्टेंट वेट लॉस होगा एंड दे आर गारंटिंग दिस वेट लॉस, तो ऐसे क्या चीजें इसमें डाली गई है। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है क्या करना है, राइट? प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सफोला का ये जो मील रिप्लेसमेंट शेक है, पहले तो मैं आपको रीड करके दिखा देती हूँ इनके क्लेम्स क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें डाली गई है। तो सबसे पहला इसका क्लेम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वजन कम करने में मदद करेगा, और ये आपको एक टारगेट भी दे रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 महीने में आपका 2 किलो वजन कम हो जाए और 2 महीने में 4 किलो वजन कम हो जाए, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस मील रिप्लेसमेंट शेक के साथ। और क्या क्लेम करते हैं ये क्लेम करते हैं कि एक हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट शेक है जिसमें कि 23 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसके अलावा दे से दैट दे हैव 5 सुपर फूड्स इन इट। तो जो सुपर फूड्स इसमें डाले गए हैं वो हैं, तो इसमें किनुआ डाला गया है, इसमें टर्मरिक है, इसके अंदर बकवीट है, इट हैज मोरिंगा एंड इट हैज अमरनाथ ऑल्सो इन इट। तो ये 5 सुपर फूड ये कह रहे हैं कि इसमें डाले गए हैं, एंड इट सेज दैट इट विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि आप 3 बोल जितना दाल खाएंगे उतना प्रोटीन आपको इसमें से मिलेगा, 1 बोल जितने पालक जितना आपको फाइबर इसके अंदर मिल जाएगा, आपको इसके अंदर 270 mg तक कैल्शियम मिल जाएगा जो कि आपको 1 बोल कर्ड से मिलता है, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, ये सारी चीजें आपको इससे मिल जाएगी। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, दे से दैट दे आर रिप्लेसिंग दिस योर 1 मील विद दिस शेक। तो ये बेसिकली एक प्रोटीन शेक नहीं है फ्रेंड्स, ये एक मील रिप्लेसमेंट शेक है, दोनों में फर्क होता है। प्रोटीन शेक होता है जो कि एक सप्लीमेंट होता है, यू टेक इट व्हेन यू वर्कआउट, उसके बाद आप लेते हो ताकि आपका लीन मसल मास ग्रो करे, आपको वेट लॉस करने में मदद करता है, बट ये कंप्लीटली एक मील रिप्लेसमेंट शेक है। तो आपको एक अपना मील, कोई भी मील, या तो लंच हो गया, या तो ब्रेकफास्ट हो गया, या तो डिनर हो गया, आपको इस शेक के साथ स्वॉप करना है। मतलब अगर आप ये शेक पीते हैं तो आपको वो एक जो मील है वो स्किप करना है पूरी तरीके से। अब ये क्या कहते हैं कि आपको बेसिकली एक जो स्टैंडर्ड इंडियन मील होता है जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी, अगर आप वो खाते हो तो आपको समवेयर अराउंड 750 कैलोरीज मिलती है वो मील से, और जो ये मील रिप्लेसमेंट शेक है जब आप इसको पीते हो तो आप 206 कैलोरीज के करीब मिलती है, तो आप कैलोरी डिफिसिट में जाते हो और आपका वेट लॉस होता है। अब वेट लॉस का सिंपल फंडा है, दैट इज कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। अगर आप जितने कैलोरी बर्न करते हैं या जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, अगर आप उससे कम कैलोरीज खाते हैं तो आपका वेट लॉस होना ही है, तो ये एक बेसिक फंडा है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं वेट लॉस में, जैसे कि द क्वालिटी ऑफ फूड यू आर ईटिंग। बहुत लोग बहुत क्रैश डाइट पे भी जाते हैं जो कि वेट लॉस जिससे कि हो सकता है, जहाँ कि आप अपना कैलोरीज ड्रास्टिकली ड्रॉप कर लें, बट वो फिर एक हेल्दी वे नहीं होता टू लूज वेट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ऑल्सो कि आप क्या क्या चीज़ें आपके बॉडी में डाल रहे हैं टू इन ऑर्डर टू लूज वेट। तो चलिए इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ेंगे, और कोई भी फूड प्रोडक्ट आप लीजिए, हेल्थ ड्रिंक लीजिए, कोई कुछ भी खाने पीने की चीज़ लीजिए, अगर वो पैकेट है तो प्लीज़ रीड द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इंग्रेडिएंट्स। आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो चलिए पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिख रहे होंगे और मैं रीड करके भी बताती हूँ। तो जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें है वो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, और वो 38.8% है। तो वे प्रोटीन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, सारा अमीनो एसिड का प्रोफाइल होता है, आपके बॉडी में जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है, तो बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। उसके अलावा इसका परसेंटेज अच्छा है, ये आपके लीन मसल मास को बिल्ड करने में मदद करता है,
जिससे कि आपके मसल स्ट्रांग हो और आप वेट लूज करें। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स के लिए थम्स अप है। अब सेकंड इंग्रेडिएंट्स की इंग्रेडिएंट की बात करते हैं हम। तो जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो शुगर है, और ये देख के मुझे सच में बहुत शॉक लगा, बिकॉज वेट लॉस और शुगर डोंट गो हैंड इन हैंड। मतलब अगर आप कोई भी डाइट पे जाते हैं या बेसिक भी कोई डाइट करते हैं फॉर वेट लॉस, द फर्स्ट थिंग विच सब लोग बोलते हैं यू शुड अवॉइड इज शुगर। एंड द सेकेंड इन्ग्रीडियंट इन दिस इंग्रीडियंट लिस्ट इज शुगर, विच मेड मी अ बिट सैड, क्योंकि शुगर इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू हैव इन योर मील रिप्लेसमेंट शेक। मतलब कुछ आपको न्यूट्रिशन नहीं देता, हाँ एक टेस्ट दे देता है, बट एम्प्टी कैलोरीज है, सो इट्स नॉट नीडेड थिंग इन योर मील रिप्लेसमेंट शेक। उसके अलावा उसके बजाय में ये स्टीविया डाल सकते थे, जो कि स्वीट होता है बट उसमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, आपकी इंसुलिन को रेज नहीं करता। शुगर विल इवेंचुअली रेज योर इंसुलिन लेवल्स ऑल्सो, तो ये एक इसका डाउनफॉल है। और उस पर जो शुगर है वो सेकेंड इन्ग्रीडियंट है। तो बेसिकली इफ़ यू स्टडी इन्ग्रीडियंट लिस्ट, तो ऐसे कहते हैं कि जो भी चीज़ें ऊपर होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में होती है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो चीज़ें कम मात्रा में होती है। तो आई डोंट नो कितना शुगर डाला है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट इसमें शुगर है, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। जो थर्ड इन्ग्रीडियंट इसमें है वो स्किम्ड मिल्क पाउडर है, ऑब्वियसली इसको टेस्ट देने के लिए, इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए, और हल्का फुल्का प्रोटीन और कैल्शियम भी मिल जाएगा आपको उसके साथ। जो आपको फोर्थ इंग्रेडिएंट इसमें दिख रहा है वो इन्यूलिन है, वो एक थिकनर होता है, तो आपके शेक को थिक करेगा। ये चिरोरी रूट होते हैं, उसका पाउडर होता है। फिर जो इंग्रेडिएंट इसमें है जो कि 6% है, 6.8% है, वो कोकोआ पाउडर है। मैं जो इंग्रेडिएंट लिस्ट रीड कर रही हूँ वो स्विस चॉकलेट फ्लेवर वाले का कर रही हूँ, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, दैट्स वाई कोकोआ पाउडर इन इट। फिर उसके बाद से यू हैव थिकनर विच इज़ कॉल्ड INS-412, एंड देन यू हैव गार्सिनिया कम्बोजिया। नाउ गार्सिनिया कम्बोजिया इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मैजिकल इन्ग्रीडियंट फॉर वेट लॉस, और अगर मैं सच बताऊँ तो आई एम ऑलवेज स्ट्रगलिंग विथ माई वेट, और आई कीप ऑन फाइंडिंग वेज टू लूज वेट, एंड आई हैव कंज्यूम्ड गार्सिनिया कम्बोजिया। और सारी चीज़ें देख के मुझे एक चीज़ तो बस समझ में आ गई है कि कोई भी एक मिरेकल वेट लॉस सप्लीमेंट नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस आप अपनी कैलोरीज को मेंटेनेंस कैलोरीज कम खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी खाएंगे, तो उसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है वेट लॉस करने का। उसके अलावा जो इसमें है वो है मिनरल प्रीमिक्स, उसके अलावा इसमें विटामिन्स डाले गए हैं, इट हैज़ किनुआ। किनुआ की जो परसेंटेज है वो 0.15% है, बहुत ज़्यादा नहीं है। देन यू हैव बकवीट जो कि 0.13% है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अमरनाथ है 0.12%, टर्मरिक है 0.2%, और मोरिंगा है। फिर ये कहते हैं कि इट कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर्स एंड एडेड फ्लेवर्स, एंड इट हैज़ नेचुरली आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस ऑल्सो इन इट। तो ये इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट हो गई। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें तो एक दो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे कि शुगर इज नॉट समथिंग विच आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद। फिर बाद में जो इसमें एक थिकनर डाला गया है, दैट इज़ समथिंग दे कुड हैव अवॉइडेड। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अब चलिए देखते हैं ये क्या क्या कॉशन बता रहे हैं आपको। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि देर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट इफ़ यू आर प्रेग्नेंट यू शुड नॉट कंज्यूम इट, इफ़ यू आर लैक्टेटिंग और नर्सिंग यू शुड नॉट। तो मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो आपको इससे दूर रहना है, आप ये कंज्यूम ना करें। इसको बच्चों के बहुत से अलग रखना है, दूर रखना है, तो बच्चों के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, तो बच्चों को नहीं देना। उसके अलावा अगर आप एडोल्सेंट हैं और आप एल्डरली हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा इसको पीने से पहले। तो उनके लिए भी मतलब स्ट्रेट अवे दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, दिस इज़ फॉर ओबेस पीपल हु आर लुकिंग फॉर लूजिंग वेट। अब फ्रेंड्स हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जाते हैं, जो कि है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू पता होना हर एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देख लेते हैं हम। तो अगर हम इसकी कैलोरीज, मैं एक सर्विंग की बात करूँ तो इसको लेना कैसे वो बता देती हूँ मैं आपको। तो आपको इसको स्किम मिल्क में लेना है, 35 ग्राम ऑफ पाउडर इसका लेना है, स्किम मिल्क में मिलाना है और आपको पीना है। तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू मैं रीड कर रही हूँ वो स्कीम्ड मिल्क के साथ है ये पाउडर का, तो मिल्क का अलग से कैलोरीज आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो सबसे पहले हम कैलोरीज के साथ शुरू करते हैं।
तो अगर कैलोरीज की बात करें तो आपको 206 कैलोरी मिलेगा एक शेक के अंदर विथ स्कीम्ड मिल्क 200 ml ऑफ स्कीम्ड मिल्क विच इज़ वेरी गुड, बहुत ही लो कैलोरी है। तो ऑब्वियसली आप एक कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे अगर आप एक मील इससे रिप्लेस करेंगे तो, क्योंकि अगर आप एक मील समझिए 500 कैलोरी का भी खाते हैं या 700 कैलोरी का भी खाते हैं तो ये उससे आधे से कम हो गया, सो यू आर सेविंग ऑन ऑल दोज कैलोरीज, तो ये एक अच्छी बात है। जो दूसरी चीज़ है दैट इज प्रोटीन, विच इज़ 19.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विच इज़ ऑल्सो अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और उसके अलावा द कार्बोहाइड्रेट इट हैज़ इज 28.3 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, और उसके अलावा जो डाइट्री फाइबर है वो 4.1 है, तो 24 ग्राम्स आपको नेट कार्ब्स मिल जाएंगे। फाइबर 4 ग्राम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है। उसके अलावा इसमें जो एडेड शुगर है वो 6.9 ग्राम्स है विच आई एम नॉट रियली अ गुड बिग फैन ऑफ। टोटल फैट इसमें बहुत कम है, 1.0 ग्राम ऑफ फैट है, तो बेसिकली दिस इज़ अ लो फैट लो कैलोरी ड्रिंक। जो सैचुरेटेड फैट है वो 0.37 ग्राम्स है, और उसके अलावा इट हैज़ सम मिनरल्स, इट हैज़ विटामिन डी एंड थिंग्स कैल्शियम, सो ये सारी। तो अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो हाँ आपको कैलोरीज कम मिल रही है, तो अगर ये जिस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका वेट लॉस होगा। लेकिन अगर आपको ये पीने के बाद सेशिएशन नहीं लगता और आप ये भी पीते हैं और आप फिर कुछ खाते भी हैं बीच में, स्नैकिंग भी करते हैं, या जो दो लंच आप ले दो मील्स आप ले रहे हैं वो आप कैलोरी सरप्लस में ले रहे हैं, जैसे कि उसमें आप बहुत ज़्यादा तला भुना चीज़ें खा रहे हैं, हाई कैलोरी चीज़ें खा रहे हैं, तो वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि बेसिक इसका फॉर्मूला यही है कि ये आपको कैलोरी डेफिसिट में लेके जाना चाहता है और उसी प्रकार से इससे वेट लॉस होगा। सो आप अगर इसको पी के यू फील सेटिस्फाइड एंड यू डू नॉट बिंज ऑन एनीथिंग एल्स, मतलब आप और कुछ नहीं खाते इसके अलावा, तो आपका वेट लॉस होगा। आप अपना जो दो मील है और जो कि ब्रेकफास्ट लंच या जो भी आप स्वैप कर रहे हो वो मील है वो भी हेल्दी रखते हो, तभी आपका वेट लॉस होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये कुछ मिरेकल है, अगर एक मील में इसके साथ रिप्लेस कर दूं, उसके अलावा फिर पिज्ज़ा पास्ता बर्गर सारा कुछ खाओ दो मीलों में, कुछ नहीं होगा, खूब मिठाई खाओ, तो फिर आपका वेट लॉस नहीं होने वाला है। अच्छा, क्या ये सबसे हेल्दी वे है वेट लॉस करने का? तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हेल्दी वे तो नहीं है, बिकॉज जो इसमें शुगर कंटेंट है वो आपका इंसुलिन रेज करेगा, तो वेट लॉस तो इवेंचुअली होगा, बट इट्स नॉट द हेल्दीएस्ट वे। उससे अच्छा आप एक मील को एग के साथ रिप्लेस कर लीजिए, या कुछ और लो कैलोरी जो हो चीज़ें उसके साथ रिप्लेस कर लीजिए, दैट विल ऑल्सो वर्क फाइन। आप आपके घर में स्मूदी बना लीजिए, आधा बनाना, ज़रा सा ओट्स, स्कीम्ड मिल्क, ये सारी चीज़ें डाल के, दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड, एक स्कूप वे प्रोटीन पाउडर डाल के जिसके अंदर बिल्कुल भी क्या बोलते हैं शुगर नहीं डला हो, तो भी एक अच्छा तरीका होगा वेट लॉस करना। सो दिस विल मेक यू लूज वेट इफ यू फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शन विच मैंने आपको बताया। अच्छा, तो चलिए अब आपको मैं बता देती हूँ कि ये प्रोडक्ट कितने का है। तो ये 400 ग्राम का डिब्बा है, और ये 400 ग्राम का डिब्बा 1161 रुपीज का मिल रहा है राइट नाउ ऑन अमेजोन। बाय वन गेट वन फ्री का कोई ऑफर चल रहा है, सफोला के वेबसाइट पे भी चल रहा है और अमेजोन पे भी चल रहा है, एंड आई सॉ इट ऑन अमेजोन। तो अगर आप एक लेंगे तो आपको एक फ्री मिल रहा है राइट नाउ। अब उसके अलावा इसमें फ्लेवर्स के बहुत सारे ऑप्शन है, आई वॉज रियली अमेज। तो एक तो जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू मैंने रीड किया विच वॉज स्विस चॉकलेट, उसके अलावा यू गेट रॉयल केसर पिस्ता, उसके अलावा कॉफी और कैरेमल मिलता है, अल्फेंजो मैंगो है इसमें, कुकीज एंड क्रीम है, फ्रेंच वनीला है, तो फ्लेवर्स भी काफ़ी सारे हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस कमेंट क्वेरीज हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं उसका आंसर करने का पूरा कोशिश करूँगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।